हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं विश्व गुरु भारत में और अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले हैं कि विश्व गुरु भारत में इस वक्त राज करने वाले रूलिंग पार्टी के सांसद और मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी, जिसके ऊपर आतंकवादी का आरोप है, उसने एक भरी सभा में कैमरा के सामने विश्व गुरु भारत के बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले समाज को कहती नजर आ रही है कि अपने घरों में तेज धारदार हथियार रखो, जिससे तुम आतंक मचा सको। इतना खतरनाक भाषण देने के बाद भी उसके ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही उसके ऊपर कोई किसी तरह का FIR दर्ज हुआ है। वह खुलेआम गाजर मूली की तरह किसी एक समुदाय को मारने काटने की बात करती है, फिर भी हर तरफ खामोशी है। इसी जगह पर अगर कोई दूसरे समुदाय के लोग कुछ ऊंच नीच बातें कर दे, कुछ बोल दे, तो पूरा का पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है। वैसे तो हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, देश तो एक है गाइस, लेकिन गली में घूमने वाला एक अनपढ़ और जाहिल भी समझ सकता है कि यहाँ कानून दो तरह का चलता है। सरकार जिसे चाहे अंदर जेल में ठूंस दे और जिसे चाहे भेड़ियों की तरह बाहर खुला घूमने के लिए छोड़ दे। दोस्तों, ये इंडिया ही नहीं, ये पूरी दुनिया में एक अजूबा मामला है कि जिसके ऊपर आतंकवादी का आरोप है, जो आतंकवादी के आरोप में जेल जा चुकी है, जमानत पे बाहर है, वो अभी सांसद बन करके संसद भवन में बैठ करके और जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया है उसको अपना आदर्श मान रही है ना, हंसने वाली बात।